नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं डंग डेयरी फार्म पर, आगे की जो प्रॉपर जानकारी है वो लेंगे अंकल जी के साथ। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते नमस्ते मनीष जी, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया, अपने सुनाओ। बढ़िया जी, आपके सुनाओ। एकदम बढ़िया। और सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस बताएं। मेरा नाम वैसे तिजेंद्र पाल सिंह डंग, ठीक है, वैसे है यूट्यूब कालू भाई के नाम से मशहूर है। ठीक है, यूट्यूब पर आपको तिजेंद्र पाल सिंह कोई नहीं कहता, कालू डंग कहता, सिर्फ कालू भाई कहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो अपना एड्रेस बताइए पहले। मेरा एड्रेस मनीष जी, जिला श्री गंगानगर, ठीक है, तहसील पदमपुर, रहने वाला मैं गत सिंहपुर का हूँ। ठीक है जी। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सभी वीडियो वालों को। हाँ जी ठीक है भी, सभी एड्रेस बताने के बाद भी यही पूछते हैं भी डंग साहब कहाँ से हो, कहाँ से हो। हाँ जी बिल्कुल, पहले ये बताते हैं, पता नहीं लोग पूरी वीडियो देखते हैं क्या नहीं देखते। हाँ। यही पूछते हैं, गाय है भैंस है? भैया हम जिला बता रहे हैं, गांव बता रहे हैं, रहने वाले कहाँ के वो भी बता रहे हैं। सही है, फिर वो मजे वाली बात नहीं है। कई बार बंदा फोन नहीं उठा पाता, सीधा यही पूछते हैं कहाँ से। एक रिक्वेस्ट है, फोन करना है 8 बजे से पहले किया करो, सुबह 8 बजे से बाद में किया करो। ठीक है जी। और मोबाइल नंबर बताइए अपने। 9461439828। ठीक है। 9672779719। ठीक है, ये अपने दो कॉन्टेक्ट नंबर है, दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, फिर आज की वीडियो में क्या लेके आयो? मैं अभी गायें तो 5-6 हैं। हाँ जी, फिलहाल 2 गायें अभी आई है, 2 आने वाली है। ठीक है, कोई भाई अगर थार पार कर लेना चाहे तो अलग से वीडियो डाल दूंगा, बहुत ही टॉप की ली हुई है। 5 गायें क्रॉस में अपने पास है, 20+ वाली सभी। ठीक है, और पिछली वीडियो का रिस्पांस कैसा रहा वो बताओ। कह रहा हूँ गंगा ने तो धूम मचा दी। ठीक है, गिर की डाली थी। हाँ, गंगा तो आज भी कह रहे हैं भैया 1.5 लाख दे देंगे, गंगा हमें दे दो। ठीक है, पर वो अपने दोस्त नहीं जी हैं ठाकुर साहब। हाँ जी ठीक है, वो माल बिके सभी फिर वीडियो वाला। बिल्कुल फर्क है जी। ठीक है, उसके बाद तो मनीष जी क्या बताऊं। हाँ जी, जोधपुर की पार्टी अपने से वैसे रूटीन में ले रहे थे, वो गुस्से हो गए, हमें दो हमें दो। हाँ जी, तो मैंने कहा यार वो तो निकल गई, कहते नहीं उनसे पूछो भी हमें दो। हाँ। उनका एक बछड़ी अभी रुकी हुई है उनकी, उनकी एक भैंस और साथ अटैच करके भेजनी है। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम भगवान की कृपा है, ना तो झूठ मारा है ना मारेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ। एक और है, मैं जो बोल रहा हूँ 2 टाइम अदरवाइज मिल्किंग यहाँ देख ले, थन में कोई फॉल्ट हो मेरी देनेदारी हो। ठीक, अगर वहां पे कुछ नहीं गाय खा रही, अगर नहीं पी रही, उसमें हमें शिकायत देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर दाना अच्छे से डालोगे दूध जो 18 दूए 20 भी देगी, 25 भी देगी वो। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर अब की बार भैंसे नहीं लेके आए? भैंस है मनीष जी, अभी खीस में से खाली हुई है। ठीक है, भैंसे दिखा देना, अगर कोई भाई लेना चाहे तो अपने दे भी देंगे। ठीक है, वैसे कि ज्यादा भैंसे नहीं अपने फार्म पे? ज्यादा यार मनीष जी, एक तो ठंडी का टाइम है। बिल्कुल, बहुत ठंड हो रही है 2 दिनों से। लगा हुआ था रंजीत भाई। हाँ जी, वो यहाँ से उसके पिताजी का थोड़ा बाला ज्यादा सीरियस होने के कारण वो वहां गया चला। ठीक है ठीक है, एक नया बच्चा आया, वो अभी छोटा है, उसको पूरा ये नहीं है। ठीक है, नॉलेज नहीं है, कहने का मतलब। तो फिर अकेला बंदा क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। सही है। हाँ, तो गाय टॉप की 32 किलो दूध की रुकी हुई है। हाँ जी, कम से कम अपने पास मानो 16 किलो की। और स्टार्टिंग प्राइस, छोटा रेट? स्टार्टिंग प्राइस मनीष जी 2 कम 60 की। ठीक है, फिर 58,000 से शुरुआत है। 58,000 से शुरुआत है। लोग तो अंकल इतने रेट भैंसों के भी नहीं करते यार। भैंस कहाँ गाय। हाँ जी, अगर भैंस है तो मानो 11-12 किलो की आपको अच्छी 65-70 में मिलेगी। सही है ठीक है। तो फिर आप 58,000 लगाओगे वो बॉडी नहीं मिलेगी। हाँ जी, 60 लगाओगे वो बॉडी नहीं मिलेगी। एक और है। हाँ जी जी, मैं साफ सुथरा किया है, करूंगा साफ सुथरा। बिल्कुल ठीक है, गाय का धंधा है। गाय तो देखो अब इतना ग्राहक है MP, गुजरात। हाँ जी, यूपी भी अभी लेने लगा गाय यहाँ से। ठीक है, नहीं जा रही थी, अभी जा रही है। ठीक है ठीक है, प्लस गुजरात और जोधपुर, भीलवाड़ा, सभी लोग यहाँ से लेके गए मेरे से गाय। आपको मैंने आज बताया भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाने के लिए आ रहा हूँ, और आपकी दूध निकलने का भी टाइम है साथ में। मैं कह रहा हूँ कोई भी भाई अभी देखे। हाँ, फिर मजा आएगा बात करने का।
हाँ हो सकता है वीडियो आप दो दिन लेट भी लगाओ तो शायद ये माल मिले भी ना उनको। हाँ सही है, ठीक है। अगर वीडियो कई बार एक आधा दिन है ना बढ़ाने के बाद लेट भी हो जाता है। मनीष जी उसमें पता क्या होता है, लोग कहते हैं यार आप झूठ मार रहे हो, दो दिन पहले तो हमने वीडियो देखी है, वो देखते नहीं है डेट। हाँ जी डेट आज की वीडियो बता देते, बनाने की जो वीडियो डेट है और अपलोड कब होगी वो देखी जाएगी। हाँ, वो बताओ, नहीं कल करेंगे अपने, ठीक है। चलो कोई ना कल कर देंगे। ग्राहक बहुत चाह बंदा है हमारे, ठीक है, कह रहे हैं हमें दो माल दो दिखाओ, डेट, माल दिखाओ। डेट और बता देते हैं पहले, 21 दिसंबर की वीडियो बन रही है 5:07 पर जी, शाम के टाइम साथ में लाइटें भी जल रही है। ये तो फिर थोड़ा सा ना आज मौसम बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है ना, कल दो दिन ज्यादा ठंडी हो रही है, इसी कारण ना तो गाय की कोई चमक दिखाई देगी, क्यों पानी मारा नहीं हुआ। बिल्कुल बाकी नेचुरल जो है बॉडी है वो देखो, चमक शाइनिंग देखो। चलो फिर ऐसे करते हैं, एक एक करके पशुओं की जानकारी लेते हैं और साथ के साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो ये गाय दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल से। ये मनीष जी 32 किलो की अपने गारंटी पे आई हुई है, ठीक है, 32 लीटर है। हाँ 32 लीटर पीछे बछड़ी। हाँ जी, और कहने का मतलब दूसरी ब्यांत है, ठीक है, कोई ज्यादा बूढ़ी नहीं उम्र की, ठीक है, सेकंड टाइम की है। हाँ, और फण बहुत प्यारा लगो, मुट्ठी वाली चवाई होती है। हाँ जी, अभी परसों ही ब्याई है, खीस में से आधी खाली हुई है, यानी कि मानो लगभग पूरी है, ठीक है। अभी दूध 22-23 किलो अभी मौके पे तैयार है, दो दिन की ब्याई के नीचे। कहने का मतलब ये है कि खीस से खाली होकर दोबारा इतने ऑर्डर बना लिया ना, बना लिया है, ठीक है। और रेट बताइए। रेट मनीष जी इसका थोड़ा सा गुप्त रखो, ठीक है, क्यों लोग फिर कहते हैं इतनी 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 वो चीज नहीं देखते। हाँ जी सही है, भी क्या चीज है, गाय तो 25 की भी मिल जाएगी। कई भाई गिर की वीडियो अपने डाली थी, कई भाई कह रहे हैं कि रेट ज्यादा है, और कई भाइयों ने ये कहा कि ये सिर्फ वीडियो में ऐसा रेट बताते हैं कि कम रेट बताते हैं। नहीं मनीष जी, हाँ जी, अभी गंगा बेची है 1,35,000 की, ठीक है, 1,35,000 की दी है, उनका नंबर भी दे दूंगा। लोग बोल रहे हैं हाँ जी यार कोई फ्रॉड होगा, ये होगा, अगर 1,35,000 मांग लिया ना उनका हौसला बुलंद नहीं होगा, वो कहेंगे यार इतना 1,35,000 की गाय होती है, इतने तो भैंस मिल जाएगी 20 किलो की। सही है भैया, गंगा गंगा ही थी, सही है, और मांगने के तो गाय 25 की भी दे दूंगा, गाय 1,25,000 की भी दे दूंगा। सही है, लेने वाला होना चाहिए। इसका गुप्त रखोगे रेट ना, इसका गुप्त रखेंगे, ठीक है। मछली का ऑर्डर दिखा देंगे, ये दिखाओ, थान मुट्ठी वाला बादी में अभी। हाँ जी बादी में है थान थोड़ा सा, ठीक है, ये देखो नीचे करो थोड़ा सा, ये देखो थान पूरे मुट्ठी वाले थान है, पसम के और निकाल। बच्चा क्या साथ में? बछड़ी, ठीक है, साथ में बछड़ी है। 32 लीटर दे देगी आपके हिसाब से, खुला खुला लिख के ले जाए, ठीक है। अगर कोई भाई शर्त करके अपने पास 10 दिन बाद धूके भी ले जा सकता है, चलो बढ़िया बात है, धूके भी अपने दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, अपने पास टोकन मनी कर ले, हाँ मोटी टोकन मनी कर ले, 20-25 हजार कर ले। हाँ जी, तो अपने दे देंगे। और बड़े स्ट्रक्चर में ये नहीं को सारी छोटी गाय है, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, एक दो गाय की एक गाय है। सही है, फिर रेट भी आप वैसा ही मांगोगे ना, दो गाय वाला। बस मनीष जी क्या बताए, गाय तो एक कहते ना वो फीम बनी हुई है, ठीक है ठीक है। ये एक बछड़ी दो दांत। हाँ जी, ये भैया काट ले पहले बाहर, इधर ले आ, फिर डिटेल देते हैं। हाँ जी बताइए अंकल। ये मनीष जी दो ही दांत है बछड़ी, ठीक है, दो ही दांत है, पीछे बछड़ा है, दो दिन की ब्याई है, मौके पे 13-14 किलो खीस तैयार है, ठीक है, दो दिन की ब्याई है, पहले ब्यांत में, पहले ब्यांत, अडर क्वालिटी है वो आप देखिए, और साहिवाल और मान लो जर्सी सीमन है, ठीक है, मान लो कहने का मतलब क्रॉस ब्रीड की है। हाँ क्रॉस क्या है, 99% साहिवाल ही बोल सकते हैं, उसका थू थोड़ी सी कम है। हाँ जी, बाकी तो सभी चीजें पूरी है इसकी, गलकंबल अच्छा गलकंबल है, ऊपर थुई नाभी जो बोलते हैं। दूध कितना देगी ये बताओ? दूध 16+ दे देगी मनीष जी, ठीक है, 13-14 किलो तक पीस तैयार है। पक्का बता रहे हो 16 दे देगी आराम से? पक्का, ऐसे तो नहीं है कि आप बता 16 रहे हो, देगी जाके 5-7% तो मान लो बात हो चुकी है मनीष जी, ठीक है, 99% बात हो चुकी है, हो सकता है क्या पता उनका टोकन मनी शाम को आ भी जाए, ठीक है, क्योंकि ये जाएगी भी एमपी, ठीक है, ये जाएगी भी एमपी। ये देखिए गाय काफी अच्छी है, पहले भी आंत की, बच्चा क्या साथ में भी है? बच्चा बछड़ा भी नाड़ो साथ में है मनीष जी, ठीक है, बछड़ा साथ में, ये वाला बच्चा है, और बच्चे के नीचे कच्चा सूंड है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और कब मिल इससे आगे तीसरे नंबर पर जो ये गाय दिखा रही है इसके बारे में बताइए। 20+ अभी मौके पे तैयार है इसका, ठीक है, 20+ तैयार है, 20+ तैयार है, ना तो बड़े में ना छोटे में, साली दूध पता नहीं कहाँ से निकाल देती है, ठीक है, 20 लीटर निकाल रही है, 20 लीटर कोई दूध के लाइव देख सकता है।
जी टोकन मनी करने के बाद चली निकाल, ठीक है। वाकई क्वालिटी का फर्क तो होता है मनीष जी, बिल्कुल जैसी क्वालिटी है क्वालिटी के हिसाब से पशु दूध दे देते हैं। 20 किलो दूध कोई भाई आप देखना चाहे तो अपने दो टाइम मिल्किंग देख सकता है अपने, ठीक है। 20 लीटर मौके पर तैयार है, जो तैयार दूध है वही बताया जा रहा है। 20 लीटर तैयार है। अर्डर का जो साइज है वो आप देखिए, काफी अच्छा है। और कीमत क्या कर रहे हो इसकी? कीमत मनीष जी 60,000 में 500 किलोमीटर दायरे में दे दूंगा, ठीक है। 60,000 की, और ये हमारा बच्चा है 8 दिन की भी आई हुई है, ठीक है। साथ में बछड़ा है ना? हाँ जी बछड़ा है जी, ठीक है। और जो थनों का साइज है वो आप देख सकते हो, काफी अच्छा है। बहुत ही प्यारा मनीष जी, क्या कहते हैं थना, पूछो ही मत, काफी साफ सुथरी बछड़ी। ब्याह कौन सा बताया आपने? ये दूसरे की मनीष जी, ठीक है। सेकंड बोलने का तो मैं पहले भी बोल सकता हूँ, चल जाएगी पहले, चल जाएगी, पर नहीं, जो जेनिन काम करेंगे वो जेनिन ही करेंगे। वो बछड़ी खोल दूसरी नंबर वाली, ठीक है। इसके बारे में बताइए, आई है फार्म पे एक घंटा पहले ही आई है, ठीक है। अभी ठंडा ठंडी का टाइम है, हाँ जी, पूरा मौसम खराब हो रहा है धुंध की वजह से, बिल्कुल। ये देखिए धुंध भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो गाय का बॉडी से एक गेड़ा और कट दे बेटा, और 26-27 किलो दूध की क्रॉस ब्रीड में है, दूसरे ब्यांत की, दूसरे ब्यांत की अभी मिल्किंग होके आई हुई है, ठीक है। दूध निकल के आई, हाँ, दूध तीन, जो बिश्नोई लोग होते हैं वो तीन टाइम मिल्किंग निकाल के गाय को देते हैं, ठीक है। वो अपनी ये बच्चा है अभी तीसरा दिन ही है भाई को, ठीक है। ये वाला सातों बछड़ा ना, बहुत बड़ा बच्चा दिया, ठीक है। दिन हुआ, गाय भी बहुत बढ़िया ना, हाइट लेंथ की बड़ी, हाइट देखो गाय की, बॉडी स्ट्रक्चर देखो। इसका रेट बताओगे फिर? 65,000 की 500 किलोमीटर दायरे में दे दूंगा, ठीक है। 65,000 की, हाँ जी, दूसरी ब्यांत है, दूसरे ब्यांत की 65,000 रुपए प्राइस है। इससे आगे लास्ट में जो ये गाय दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं। ये भी जर्सी है, ठीक है, अभी आई है, ठीक है। ये भी अभी आई है, अभी आई है जी, ठीक है। अभी मन नहीं था बेचने का, हाँ जी, क्योंकि ना तो लेवटी दिखाई दे रही है इसमें, हाँ जी, पर चलो कोई वायु इच्छुक हो अपना दो टाइम देख के ले, थोड़ा सा भी आई है, भाग दौड़ भी बहुत कर रही है, हाँ जी, हाँ जी, प्योर जर्सी में है, ठीक है। और हल्का दे देगी साहिवाल में क्रॉस है, हाँ जी अंकल। ये दूध कितना दे देगी गाय? मनीष जी अभी 16 किलो खीस तैयार है, पीछे बछड़ी है, ठीक है। 16 लीटर खीस है मौके पर, मौके पे खीस है, तीसरा ही दिन है ब्याई को, ठीक है। 3 दिन की ब्याई, 16 लीटर तैयार, कितना दे देगी? अभी तैयार है, बच्चे का ज्यादा हेज कर रही है, ठीक है। कितना दे देगी? गाड़ी से उतारी है, दूध कितना देगी? दूध यार 18-20 के बीच तो दे ही देगी, ठीक है। 18-20 लीटर के बीच, थन देखो कितना प्यारा लगा हुआ, पूरे मुठिया थन है, अरे मुठिया थन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी सी नहीं आई, अभी कर रही है खूंटे का, ठीक है, पिछले मालिक का कर रही कीमत है। कीमत बताइए इसकी? कीमत मनीष जी मोल करवाने को जो मैंने 65,000 की 500 किलोमीटर दायरे में दे दूंगा, ठीक है। 65,000 की 65,000, हाँ जी, ठीक है जी। एक तो अभी उतर जाती है ना गाड़ी से, पशु आता है चाहे, हाँ 20 किलोमीटर से आए चाहे 500 किलोमीटर से आए, हाँ जी, एक बार कमजोर लगता है, बिल्कुल, ठीक है। अभी उतरी है, खा भी नहीं रही, चक्कर लगा रही है, हाँ जी, ठीक है। पशु आए, अच्छा खाए पिए, फिर पता चलता है क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो गायें सभी आई हैं, 4-4, 5-5 दिन की आई हुई हैं, हाँ, तो अच्छा रची हुई हैं, बिल्कुल, ठीक है। बाकी दूध में तो अभी कभी झूठ मारा ही नहीं है, दूध पुत का कभी कसम नहीं देंगे हम, सही है। और एक सबसे बेटर रही है, दो टाइम अपनी लाइव मिल्किंग देखो, ठीक है, ऐसा देना है आप लोगों ने, हाँ जी, क्यों किसी से धोखा करें, अगर मान लो कर भी लिया एक बार, हमारी जिंदगी नहीं रुक जाएगी ना, उनकी मर जाएगी, सही है। जो है धुआं बंद करो ये, बाकी मनीष जी, हाँ जी, झूठ वाला धंधा ना करो, ना करने की जरूरत है किसी, बिल्कुल सही है। जो अगर अपने को मुंह मांगा पैसा दे रहा है, हाँ जी, तो फिर किसी अगला कितना दूर बैठा पैसा डाल रहा है, पैसा डाल रहा है अपने पे, यही बहुत अपने पे विश्वास कर रहा है, बिल्कुल सही। सका भाई भी विश्वास नहीं करता, कई बार बोलते ना ये चीज ले आए, वो भी विश्वास ना करे एक टाइम पे, बिल्कुल सही है। अपने पे विश्वास कर रहे हैं, इतनी दूर से लोग अपने पे विश्वास कर रहे हैं, अपना मन इसलिए खुश है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रही बात मनीष जी, कोई किसी से धोखा ना करेंगे, आज ना करेंगे कल, सही है। पैसा देना है, दो टाइम तीन टाइम टोकन मनी के बाद अपना कर सकता है, ठीक है। पहले टोकन मनी लगवाने पड़ेगा, आधी रात को भी बोलेंगे ना भी यहाँ हमें गाय दिखाओ, हम दिखा देंगे, ठीक है। क्यों मेरा फार्म दू है, मैं बच्चे का नंबर दे दूंगा, वहाँ वीडियो कॉलिंग करके अपना पशुधन देख सकता है, चलो बढ़िया। ये नहीं है भी हाँ आज ये है वो है, ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर धन्यवाद अंकल जी, नमस्ते मनीष जी, ठंडी का टाइम है, सभी को वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।